हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के है और एक खास फॉर्मूला जो कि आपको ना तो एक्सेल में मिलेगा और ना ही लिब्रा कैल्क में मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको कॉन्केटिनेट कराने के लिए एक्सेल और लिब्रा कैल्क के पुराने वर्जन्स में और नए वर्जन्स में, लाइक 2007 की बात करें तो 2007 एक्सेल में आपको मिल जाता है कॉन्केटिनेट, ठीक है। बात करें लिब्रा कैल्क की तो उसमें भी आपको कॉन्केटिनेट या कॉन्केट दोनों मिल जाता है, लेकिन अगर बात करें इसको स्प्लिट कराने के लिए हम चाहते हैं कि जिस फॉर्म में ये था, अब देख लीजिए ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों सेपरेट था, अलग अलग था, तो अगर इसको इसी फॉर्मेट में लेके आना हो तो क्या करेंगे, कैसे ये आएगा, ये बात कर रहा हूं मैं। देख सकते हैं ये जो है कुछ इस फॉर्मेट में लेके आना है तो करेंगे क्या। देखिए, जिन दोनों को ज्वाइन कराना उसके बीच में एक कॉमा होना जरूरी है, तो आप इसको कॉन्केटिनेट कराते वक्त कॉमा लगा दीजिए। अब इसको सेपरेट कराते हैं, देखते हैं कैसे सेपरेट होगा। तो ये गूगल शीट में आपको मिल जाएगा, ये फॉर्मूला आपको गूगल शीट में मिल जाएगा। एक्सेल के जो अर्लियर वर्जन है उसमें भी आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है, लाइक 2021 या परहैप्स 2019 में भी ये शायद मिल जाएगा आपको, लेकिन पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा, 2016 वगैरह में नहीं मिलेगा ये आपको। अब इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं स्प्लिट का, ये लगा लिया स्प्लिट। अब यहाँ पे स्प्लिट किसको किसको करना है, इसी को तो स्प्लिट करना है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दीजिए और यहाँ पे डबल इंटेड कोट्स को ओपन कीजिए, कॉमा देंगे फिर डबल इंटेड कोट्स को क्लोज करेंगे और इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि सूरज और तिवारी ये दोनों अलग अलग होके आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट अगर मैं सेम बना देता हूं, देखिए अब कमाल, अब जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा ना, ये देखिए तो नीचे ये अपने आप आता चला जाएगा, ये देख सकते हैं ये नीचे जो है अपने आप इसको सेपरेट करता हुआ चला जा रहा है।